दो ऐसी चीजें बताओ जो आप अपने पति में चेंज करना चाहते हो, कोई आदत जो How are you all? I hope you all are doing great. और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. So करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत. अभी जा रहे हैं, पहले सबसे पहले ये रोटी दे के आ जाते हैं गाय को. मम्मा रोज सुबह गाय को रोटी देते हैं और दो कुत्तों को. तो पहले इसको दे के आती हूँ मैं. इसको देखना कैसे बैठा है यहाँ पे. क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? जो गाय को रोटी देनी है उसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालते हैं हमेशा. तो पहले हम गाय को रोटी देके आते हैं. इसको हम पहले ये खाना ये देंगे गुड़ के साथ. ये हमारा रोज वेट करती है मम्मा का. दूसरा हम इसको देते हैं छोटू को. हाय, खाओगे? इतना प्यारा ही. हाय मेरा कुकू. हाय मेरा कुकू. जय माता, जय माता, जय माता. यार मेरे को डर. आ जा. देखो वो आई गई अभी. आ जा आ जा. अभी देखना उसके लिए हम खाना देंगे उसको. देखना ये वाली उसके लिए हम रोटी. बाय बाय सुंदरू. अभी डॉगी की है. आपकी हो गई? आपकी हो गई? अच्छा चलो थोड़ी सी दूंगी और. बाय. अब नहीं, अब नहीं, अब अच्छा आपकी खत्म. सो अभी फिलहाल हम करते हैं ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में बनाया है मम्मा ने लुच्ची बड़े और साथ में ये पनीर और गाजर का हलवा भी है, बट अभी वो बाद में. तो भी हम ये खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आज क्या स्पेशल डे है और क्यों मतलब इतनी सारी चीज़ें बनी है. और फिलहाल ये खा लेती हूँ मैं. सो अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर मम्मा को भी रेडी करना है, दादी माँ को भी करना है. सो चलते हैं और मिलते हैं आपको रेडी होके. तब तक के लिए बाय. सो अभी हो जाते हैं फटाफट से रेडी. तो मैंने सुबह जो वॉश किए थे अभी वो सूख चुके हैं, बट बहुत ऐसे हो गए. तो अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं. तो अभी हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं. अभी हो जाते हैं हम रेडी और उसके बाद आपसे मिलते हैं. हाय एवरीवन. सो अभी हो गए हम रेडी. वैसे कौन से हो तो मम्मा वगैरह के, तो मैं तो इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि ऐसे ठीक रहता है थोड़ा तैयार त्यूर होके आराम से बैठो. फिर घर पे इतने सारे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको अटेंड करो. तो झल्लड़े से पहन के बैठूँगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो इसलिए तो वैसे भी ठीक रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें. आगे पीछे वैसे ही रहते हैं हम, बट आज स्पेशल डे इसलिए थोड़ा सा तो होना ही चाहिए ना. तो इसलिए तो अभी मैं दादी को तैयार करूँगी और उसके बाद अपनी मम्मा को भी तैयार करूँगी. तो सब्ज़ी वाला भी आया मम्मा. सब्ज़ी वाले से आपने वो मूली मतलब लेनी थी. तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी सब कुछ जो भी हमने रेडी किया है. तो तब तक ली बाय. और उसके बाद चलो मैं बाद में जाती हूँ. इस कमरे में बहुत गंद पड़ा हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें रख ली है मैंने. और ये मैंने न्यू बैकड्रॉप शीट ली है, स्टूडियो बैकड्रॉप शीट.
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद थी। इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और ये फाइनली आ चुकी है। और ये ऐसे ही रिंग लाइट वगैरह, अब जाते हैं। मम्मा थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड साइड अंदर से। मम्मी आपका फ़ोन कहाँ पे है? फ़ोन कहाँ है आपका? ये यहाँ पे बैठे हैं, हीटर सेक रहे हैं। और ये सारा सामान मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अभी बाकी मैं ढूंढ रही हूँ मम्मा का फ़ोन, देखना कैसे रखा हुआ है। करना ही है, चलो मम्मा का फ़ोन। सर भी मम्मा का फ़ोन दिखा, यहाँ पे फ़ोन चाहिए था, तभी मैं बोल रही हूँ। चलो मैं परांदा लगाती हूँ दादी, अभी हम दादी का परांदा लगाएंगे। मेरी दादी के बाल बहुत लंबे थे लेकिन झड़ बहुत रहे थे और इनको पता भी नहीं, मैंने थोड़े थोड़े नीचे से इनकी कटिंग कर दी थी। और तो मुझे डांट पड़ रही थी, तो मेरे बाल क्यों काटे। दादी परांदा दे, अभी हम तो अभी हो गए दादी की गुत रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है मेरी दादी की गुत जो मैंने बनाई है। दादी खाली नहीं भर रहे, रुको मैं आपको। देखो ऐसा परांदा लगाओ कि बाहर परांदा दिखना नहीं चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए परांदा। ये देखो अंदर साइड परांदा और बाहर साइड गुत, कितनी अच्छी बनी है। बाकी यहाँ पे थोड़े बाल पतले पतले होते हैं नीचे के लिए, तो ऐसा परांदा लगाना चाहिए, है ना दादी? रोडो परांदा ले रहे हैं तो शंकर नाथ बनो। एक टाइम था जब दादी इधर मोहल्ले में सबके परांदे लगाते थे, है ना दादी? सारे कह रहे, सब भी कह रहे, सबके परांदे लगाते थे दादी। तो आज अब मैं लगाती हूँ दादी के परांदे और अब मम्मा का भी परांदा लगाना है मैंने। और यहाँ पे बहुत गंद पड़ा है, इसको इग्नोर करो। सबसे पहले हम दादी को सिंदूर लगाएंगे। खरीदी तो नहीं 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 रोड उलर लगने उन्हें बिंदी लाते हम तो हाँ थोड़ी लाती है अपना फ्रोट भी नहीं लेंगे दादी आख गीत जो ये गीत कौन से हैं दादा बा बा बा
जब हम छोटे बच्चे होते ना, जब दादी दादू हमें या कोई मम्मा पापा तैयार करते थे, फिर हमें करते थे, वो ऐसे करते थे, वाह वाह मतलब हम अच्छे लग रहे हो तुम। अब मैं दादी को कहूंगी वाह वाह वाह। प्लेन से लानी है ना, अन्ना देखो लाल ही लाता मैं ना। दादी को हम लाल ही बिंदी लगाएंगे। तो ये अभी मैंने कर दिया दादी माँ रेडी। और दादी वगैरह ना थोड़े सिंपल सिंपल ही तैयार होते हैं, ज़्यादा लगाते नहीं, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं हमारे बुजुर्ग, उनको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं होता। वैसे क्या ही करना, बट इनका मेकअप यही होता है, एक बिंदी आ गई, एक सिंदूर आ गया और बस परांदा और झुमके हो गए रेडी। और हाँ सूट दादी को सूट है। दादी पत्रों भैया तो परांदो नहीं दादी का परांदा मैंने कैसे बनाया, चलो वो मैंने आपको दिखाया है। तो सो आज है स्पेशल डे। सो वो स्पेशल डे है कि आज है गोरी तृतीया, यानी कि जो गोरा माता है उनकी आई थिंक शादी हुई थी, शादी हुई थी ना, शिव जी भगवान कह रही थी गोरा माता की शादी हुई थी। तो इस चीज़ के लिए कुंचेऊत बनाते हैं, ठीक है। तो कुंचेऊत मतलब समझ लो करवा चौथ की तरह होता है, बट इसमें पूरे दिन फास्ट ही रखते हैं, जब तक होता है टाइमिंग इसकी तब तक रख देते हैं और पूजते हैं। और सारी जो औरतें मिलजुल के मंदिर जाती हैं, पूजा वगैरह करती हैं, पूजती है मंदिर में जाके, अपना व्रत खोलती है उस चीज़ को पूज के। और अभी सब जाएंगे, रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे, तो वह मैं आपको सब दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आज सोच रही थी इस बार कि मैं नानी के घर जाके आपको उधर का भी दिखाऊँ, पिछली बार इधर का दिखाया था। और आपको याद होगा तो सबसे पहला जो मेरा व्लॉग था वो इसी चीज़ के ऊपर था, कुंचेऊत के ऊपर। तो आज कुंचेऊत है मेरा निकल लाला मेरी बनाने दादी मतलब हूँ सारे तैयार भी हो रहे हैं, तो केर जरूर लग गए तो सन बड़ रोड लग गए ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया, वैसे आपको पता ही होगा, पहले भी आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे होंगे। भगवान के टिक्कू दादी देखो अच्छा लग रहा है ना। मम्मा अभी रेडी नहीं हुए तो मम्मा को अब रेडी करते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर सारे औरतें इकट्ठी हो जाएंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर। और ठीक है देखो अभी मम्मा रेडी हो गए हैं, बाकी इनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं पीछे से। मम्मा इधर देखो, देखो ओहो कितने प्यारे लग रहे हो। आज मेरी माँ में बिल्कुल कोई से ले लगने ना नहीं ना मिली तुलन। इसको देखना कैसे शो है, इसको ठंड तो नहीं लग रही है दादी? ठंड लग बड़ सिर बो आज मियां चले उ लगने बेरू है अंतर बेरू लग रहा है। टाइम है जो ट्लाई बजने वाले हैं वो देखो, इनको मैंने स्पेशल नीचे भेजा, मैंने बोला नीचे जाओ अपना पैंट कोट लेके आओ, बोलते वो तो इधर पड़ा है, शर्ट लेके आए हैं, अभी इन्हें तैयार होने दादी माँ के साथ फोटोज लेने, इन्होंने दादी साथ ही फोटो गिनने ना कौन मम्मी एडिंग दू ये एडिंग तो आक तू सता आक मम्मी ई तू शो ई मैं मरो। ये हमने रेडी कर दिया प्लेट, इसमें ये सारी चीज़ें डाली है और ये फूल भी डाला है पानी में, ये मम्मा का, ये दादी माँ का, ये हमने कर दिया है रेडी। ये बंद है खामड़ी क्यों जो आ दादी किन बंद है ये इस फूल में ऐसे भी बंद नहीं पेती हां भी नहीं पाता ऐसे दादा ऐसे भी बंद नहीं पेती सॉरी छूट गए याद आओ बिंदी जोर लाने नट लुटे हम लड़ती जोने इतना थीड़ी फोन ला किन से थी बस आंसर जल्दी कर उठ खड़े मेरा भाई बोल रहा है कि मैं किसको फूल दूँ
सनु तूने किसको फूल देने? सपने में हूँ आई थी चली सपने में हूँ आई थी चली गई दादी अभी हम जा रहे हैं मंदिर आज बहुत कुछ लेट हो गया मैं जो सोचा था वो हो नहीं पाया बट स्टिल हम कोई बात नहीं ड्राई फ्रूट का डब्बा डालते हैं अंदर बड़ी बिजी थी ये देखो मेरी आंटी जी बना रहे हैं पकोड़े यहाँ पे आंटी कौन से पकोड़े हैं ये वाले आलू के ये वाले आलू के हैं हाँ। इसमें प्याज नहीं है प्याज बाद में बना लूँ मैं इकट्ठा नहीं डालू अच्छा मिर्च भी दूँ मिर्च हाँ स्पाइसी चाहिए तीखे तीखे काट के देना अच्छा अच्छा मम्मा मिर्ची नहीं है मिर्ची हाँ पिपली इसमें तो है इसमें अंगूर ओके इसको इसमें ही होगी धनिया के साथ इसमें है मिर्ची शायद ये हमारी दादी और मामा का फाइनल लुक है और दोनों ने अभी ये तैयार कर दिए इस पर अभी डालेंगे रुमाल ऊपर से कवर करने के लिए और ये मम्मा कुछ बोलने चाहोगे आप आज मम्मी की ना हेल्थ भी सुबह से ख़राब है दो दिन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किल से मैंने इनको मेकअप किया इनको टिका नहीं जा रहा था पर चलो अब चलते हैं मंदिर ठीक है मम्मा का ये प्यारा बच्चा है ना बहुत प्यारा है बहुत प्यारा बहुत अम्मा कोई क्यों लो रहा है तू क्यों लो रहा है तू लग गई इसका भूख बाहर पड़े मम्मी खाना इसको दिया है मैंने चलो इसको इधर मत छोड़ो अंदर रखो इसको आ जा गाल दे बैठ से लो ना बस शुभ बहुत है ऐसी चलो ये देखो अभी सारे जा रहे हैं व्लॉग बन रहा है अभी पिछली बार की तरह पिछली बार बारिश थी इस बार नहीं है अच्छी बात है सारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं अभी जाने के लिए तो अभी चलते हैं वहाँ पे मंदिर फोटोस ले रहे पोजने जो दादी मतलब आज तक नहीं आए आज तक नहीं हो रही ना तुम मंदिर अच्छा पिछली बार नहीं आए थे दादी तो इस बार दादी भी आ रहे हैं हमारे साथ दादी को भी है ना थोड़ा शौक वगैरह कि मैं भी जाऊँ मंदिर इसलिए हम जा रहे हैं तो बेसिकली भदरवाही लेडीज़ का फेस्टिवल होता है तो इसलिए सारी भदरवाही लेडीज़ इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल के सारी फोटोज क्लिक
भद्रवाही फेस्टिवल है जिसमें सारी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इसमें सारी औरतें सारे मिलजुल कर मंदिर जाती हैं और ये व्रत पूजती हैं और ये मेनली इस दिन गौरा माता और शिव भगवान की शादी हुई थी और इसको गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। दिया मेरे को वो पानी, आप अपना भी उसी को दिया? लोटा नहीं दिया पानी लाने के किसी में। आपका लोटा कहाँ है? शगुन या मैं पुत्र मेरे लिए लेके आ जमड़ बच्चा सदा स्वागत वो थे मम्मी अपनी प्लेट में रख कर मम्मी जो सदा स्वागत।
आपने कितना मज़ा आया, सब औरतों ने कितना एंजॉय किया, मम्मा ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अभी जा रहे हैं हम घर, अब घर में जाके करेंगे पेट पूजा। मामा नानी आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी तीन आदतें बताओ जो आप अपने पति की चेंज करना चाहते हो। आप मेरे को बताती हूं, अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अरे अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चेंज करूं क्या। चलो कोई बात नहीं, अभी जब अचानक कोई क्वेश्चन करता है तो आंसर नहीं आता। दादी नानी बोल रहे जब मैं गुस्से में होंगी ना तब बताऊंगी, तब बताऊंगी क्या छोड़ना था क्या। चाचू जी तड़प ही ऐसी है ना, सावधान सावधान विश्राम। एंड जी न सावधान न विश्राम, तू सुनने जी विश्राम। हो गया सावधान विश्राम, अब चलते हैं। मेन चीज तो अभी है, अभी दज्जी को फोड़ो मिलेगा। दज्जी क्या मिलेगा? कुरमेलो तो सुन फूल फूल फूड़ो फूल नहीं फूड़ो फूड़ो फूड़ो। हाँ अभी है मेन चीज जो अभी फूड़ो मिलने वाला दज्जी को। तुसी आज तक का दे दिन जो आप कोई भी बर्त रख रहे हैं? बड़ा बर्त रख रहे हैं। ताय ताय इतने दुबले पतले, मैं दादू की स्किन देखना मतलब इतने गोरे चिट्टे हैं ना, और इनके जब ये मतलब इनके ना गाले से लाल लाल से हो जाते हैं टमाटर की तरह। नाक पकोड़े जैसी इनकी लंबी लंबी। ये देखो आपको हम किसी से मिलवाते हैं। वाह आप क्यों ऐसे हो? इसको सोना ही पसंद है, सिर्फ सोता रहता है। किस देख रहा है? ओए मैं भी इसकी तरह देखो। मामा कोई कौन है? मामा कौन देनी है कौन बोलती? अच्छा शे हाय शे हाय शे हाय। मामा कोई
तो ये अभी फूल दे रहे हैं दादी माँ दादू को। बोलो सागन बोस और कौन सागन बोस सारी उमरी सागन रास और कौन हाँ सारी उमरी सागन रास। दादी ने अभी सुबह से खाना नहीं खाया ये जो दादी मैंने शाबाश कहा था फोटो खींची तू शुभ फूलों साथ ही शाबाश मेरे को। दादी आप भी आ जाओ हमारा फूड को रख आई मैं तो ना दादी उड़ जाएगा तू उस पास साथ ही बहुत ना उड़ जाए पत्रों का। तो आज मैं बताती हूँ आपको हमने क्या क्या बनाया खुद मैं साथ में खा भी रही हूँ मेरे से बोला नहीं जा रहा तो मैं इसको फिनिश करती हूँ और उसके बाद बना तो जूठा खाते हैं। ओके तो सबसे पहले हमने बनाया ये गाजर का हलवा और उसके बाद बनाया है ये पनीर के पकोड़े और उसके बाद ये बनाए हमने आलू के पकोड़े ये आई चटनी ये आया रायता और ये साथ में आई लुच्ची और वो देखो कैसे देख रहे हैं और साथ में ये आया अंगूर दूसरे वाले अंगूर और ये आगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और ये हमारे आगे बड़े बहुत दूर है यार खुल भी नहीं रहे ये हमारे बड़े आगे और बाकी खाना वगैरह होता है जो भी पनीर होता है राजमा चावल होता है जो नॉर्मली जो सब घर में बनाते हैं बट जो भी खाना बनता है इसमें शायद वैष्णो खाना बनाते हैं वैष्णो बनाते हैं हाँ तो वैष्णो वगैरह खाना बनाते हैं नॉन वेज नहीं होता इसमें तो ये जो चीज़ें हमने थोड़ी पूरी बनाई हैं अरे अब हम इसको इंजॉय करेंगे पेट पूजा करेंगे बाय। घर के पहले जो सदस्य जो अभी आए हैं हमारे घर में पहले सबसे पहले ठल इनकी लगी है और बूझे नन मेरे ठल देने एन लेन खाने हूँ ना कुरिन रायतो तो साथ ही लुच्ची बड़े लेन खाने तो बाकी सारा मीठा खा के ना आज के दिन सारे थक जाते हैं। है ये गाजर का हलवा अभी हम बुजी को गाजर का हलवा देंगे मीठा मुंह करवाएंगे खिलात बुजी खात गाजर रो हलवो तो यहाँ पे इसको एंजॉय करते हैं। मम्मा मिर्ची वाले कहाँ है सबसे पहले हम खाएंगे मिर्च वाला बहुत स्पाइसी है तीन ऐसी अर्जनी निकाले ना सीते हर मजाटे अरे एक ही आथर है एक ही आथर होता दी है एक ही कुछ है इन लड़ा खरो थरी ये था ग्रुम के रथ आन के चलो नु तुसी आ केंदा थरी ये था ग्रुम ना दादी एक ही आथर है आथर का आथर नहीं एक ही आथर रोड़ो ले लग रे दादी हम फिर माने ना कितनी प्यारी माँ है ना मेरी मम्मा बहुत प्यारी हो सच्ची मम्मा का शूट भी कितना प्यारा है बा 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 बा
जरूरी लोरी लोड़ू सीधे हाथ है ये तंग है को खबर नहीं तंग नहीं तंग ठीक है दादी नहीं तंग वाह 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 बूझ क्या तरह है तंग मिशाल नहीं हूँ कौन दादी हम जान लेते हैं स्टेट साड़ी मेरे पड़ हाय चाची हेलो इधर देखो हाय करो हाय चाची हेलो तो मैं भी आपको दिखाऊं दे चली आपको बताती हूँ पकौड़े खाओगे लुची बड़े तो आपने बनाए वो तो छोड़ो वो कैंसिल फिर गाजर का हलवा खाओगे गाजर का हलवा और पकौड़े एक पनीर का है आलू का है मिर्च का है सदा स्वागत बहुत सुखी भी रात कौन खाने के तुम गलत टाइम पे आई लाइट जो रुकाऊं देती तुम प्लेट है स्लेट है राइतो फिर कौन खाना जो थी ये लो चलो आपसे एक क्वेश्चन है ऐसी कोई दो ऐसी चीजें बताओ जो आप अपने पति में चेंज करना चाहते कोई आदत जो कोई और सूट वगैरह लेके दे देते गिफ्ट किया आज तक बहुत सारी गिफ्ट आई बुजी आप मेरे को तो बहुत गिफ्टें करते हैं नहीं नहीं कोई चीज आप जो ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहते हो अपने पति में कोई ऐसी आदत आगे जो ही सामने यार कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं परफेक्ट परफेक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता इंसान हर इंसान में कमी होती है नहीं यार कोई कोई कमी दुनिया नहीं में परफेक्ट नहीं होता कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है चलो अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए सदा सुहागन रहो गाजर हलवा दे ना हां जो जो तक के छोरो खानो है देस्ता और कौन है सदा सुहागन बस मैं सुनाऊंगी हां मैं आ बड़े मम्मी बाय बुजी बाय हाँ हाँ बाय बाय देखो अभी सारे ठहल देने जा रहे एक दूसरे के चल 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 निकल अभी तेरे को पता माइलो को फिर से पकड़ लिया था उसने मारने के लिए वो एक भूरा भूरा सा बिल्ला आता है माइलो की तरह ही है पकड़ 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 इसको सर भूरा भूरा सा वो जो एक टंडा टंडा सा कलर है उसका माइलो माइलो ठल देने वीडियो सदा स्वागत राइट सदा स्वागत राइट हैंड सदा स्वागत रहो रोड साथी सदा स्वागत कौन खाना है ये पनीर के पकोड़े ये दूसरे पकोड़े आलू के वो गाजर का हलवा है ये बड़े है लुच्चे बड़े रायता है पहला बिशी रात रायता फैला दो जोर से यहाँ क्लास एक ही पड़ी है बस बस एक ही प्लेट में पकड़ेंगे ठंडी हो रही मैम हाथ लेकिन कौन है ठंडी तो बोने राय तो खाना है
बस किस लानो है ला दिया हमने और कुछ थैंक यू थैंक यू जी वेलकम ये मिर्च वाले थे दो तीन ही थे ये मिर्च मिर्च वाले पिपली का नहीं खाने हम पिपली का पकोड़ा ओए तो ऐसे ना साइड हो हां साइड है मैं ये यार मैं जा रही चलने के लिए स्वागत 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 जब राखी बांधने आते थे स्कूल में भागता था बाथरूम बाय बाय जी बाय बाय हाय भाभी हेलो अभी पेट पूजा के में बिजी है सारे देखो मेरी सुंदर सुंदर भाभियाँ किच नहीं करो तू सही किच नहीं खेलो लाओ तो सही लाओ तो सही खाओ मम्मा आ रही हूँ आ रही हूँ ठीक है बाय 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 अजन सर राजस्थान सारे सो हाय एवरीवन सो ये था आज का दिन तो आपने देखा कितना एंजॉय किया सबने मतलब कि मम्मा ने बाकी जितनी भी औरतें थी जितने भी सब थे सबने बहुत एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया उनको देख के क्योंकि ये इनका जैसे एक करवा चौथ होती है वैसे ये इनके लिए होता है कुंचुत भद्रवाही फेस्टिवल है तो इसमें मैंने आपको बताया था सारी औरतें तैयार वगैरह होके साथ में मिलके इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है तो हमने ये चीज़ सेलिब्रेट की मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया और बाकी काफ़ी मज़ा आया और अभी पेट पूजा भी करी इन्होंने और मैंने भी आपको दिखाया क्या क्या बनाया था इनने डिशेस जो जो चीज़ें बनाई थी मैंने आपको दिखा दी तो अभी जाके मैं भी पेट पूजा करने वाली हूँ बहुत यमी यमी सा खाना खाने वाली हूँ सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहना और थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय Thanks! Love you!